नमस्कार साथियों न्यूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं मेडिकल क्षेत्र में जमकर धांधली होती है मगर इसका पता नहीं चलता है डॉक्टर को सारी जानकारी होती है मरीज दर्द में रहता है उसे कोई जानकारी नहीं होती है इसी बात का फायदा डॉक्टर उठाता है और यहीं से लूट की संभावना पैदा होती है और बहुत सारे अनैतिक काम होते हैं इन्हीं को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ने एक याचिका डाली है और इस याचिकाकर्ताओं में जन स्वास्थ्य अभियान के कार्यकर्ता और बहुत लंबे समय से स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे अमिताभ गुहा भी शामिल हैं तो चलिए इस पूरे मुद्दे को हम उनसे समझते हैं तो सर आपसे पहला सवाल यही होगा कि ये जो मेडिकल क्षेत्र के अनैतिक व्यवहार पर अनैतिकल प्रैक्टिसेस पर आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं जो याचिका आपने दायर की है इस याचिका में आप लोग मांग क्या कर रहे हैं किस तरह का आरोप लगा रहे हैं इस सवाल जो आपने रखे हैं सही सवाल है क्योंकि मीडिया में जो सेंसेशन बिना चलता नहीं है मीडिया में एक स्लोगन लगा दिया है डोलो सिक्स फिफ्टी ये करके उसको ही अहम मुद्दा रखते हुए सारी मीडिया में चल रहा है लेकिन डोलो का खिलाफ हमारा केस नहीं है ये क्या बताऊं हमारा केस है मेडिसिन ऐसा चीज है जो जो यूज करते हैं उसका कोई चॉइस नहीं है और जो यूज कराते हैं लिखते हैं उसका ही चॉइस है तो इस मौका लेते हैं इन बिटवीन आप मार्केट में जाके शार्ट खरीदने गया तो आपका जेब का हिसाब से शार्ट खरीदोगे ठीक बात लेकिन डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कर दिया तो वही लेना पड़ेगा जो डॉक्टर का तो इसको ही चांस लेते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इसलिए मार्केटिंग प्रैक्टिसेस करके डॉक्टरों को गलत समझ समझा के गलत डॉक्टरों को आ, उसको क्या कहते हैं इंड्यूसमेंट मतलब एक तरह का गलत तरह का प्रोत्साहन देना हाँ प्रोत्साहन करके गलत तरीका से डॉक्टरों को से लिखाते हैं जिसलिए मेडिकल कल्चर ही चेंज हो गया है आप जैसे डोलो का बात जब आता है डोलो में प्रॉब्लम क्या है 500 हंड्रेड एम जी वो डोलो का था लेकिन प्राइस कंट्रोल में सिर्फ नेशनल लिस्ट ऑफ़ इसेंशियल मेडिसिन दिया है प्राइस कंट्रोल में डाले हैं तो नेशनल लिस्ट ऑफ मेडिसिन प्राइस के लिए नहीं है वो कि इंश्योर करना कि एसेंशियल मेडिसिन लोगों के पास पहुँचे और वो डोज अनुसार किया था तो उसका गलती से हमने बताया सरकार को ये गलत हो रहा है तो प्राइस कंट्रोल में वो डाल दिया तो प्राइव पैरासिटामोल का फाइव फाइव हंड्रेड कंट्रोल में था और कंपनियाँ का मौका मिला 500 को 650 कर दिया तो प्राइस कंट्रोल का बाहर 2000 हज़ार यही मैंने रखा उस दिन सवाल कि आप लोग बताइए प्राइस कम डी पी सी ओ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 का पहले 500 एमजी एम जी था कि नहीं बताइए अब जब दो हजार में आया तो 500 हंड्रेड एम जी आप दुकान में मिलेगा ही नहीं बड़े मुश्किल से मिलेगा सारी 650 कर दिया ये कल्चर चेंज कर दिया कंपनी ने डॉक्टरों को ये गलत समझा के ये तो जो इसी के खिलाफ हमारा केस जो है अहम मुद्दा जो हमने सवाल रखे हैं कि डॉक्टर को खिलाना पिलाना पैसा देना और दुनिया भर के टूर करवाना फॉरेन ट्रिप का बंदोबस्त करना गाड़ी से लेकर गोल्ड बिस्किट तक देना इसको कोई रुकने वाला कानून नहीं है कौन देता है ये सब कंपनियां देते हैं और कौन देंगे फार्मास्यूटिकल अच्छा तो इसको रिखने वाले कोई कानून नहीं है मैंने एक बार कोशिश किया था तो एक लॉयर हमको बोला भाई कौन सी कानून में रख डालूँ इसको क्योंकि अगर वो बोले कि डॉक्टर हम ये फलाना डॉक्टर हमारे इतने मित्र है हमारे मेडिसिन इतने लिखते हैं तो उसके लिए हम कुछ नहीं देंगे तो हम दिए हैं तो कानून इसलिए हमने बोला कि आप एक एथिकल एथिकल कोड बनाइए एथिक्स क्या होगा उसमें दो हिस्सा है कि मेडिसिन का भी एथिक्स होना चाहिए यूज करने का भी एथिक्स होना चाहिए तो मेडिसिन एथिकल बिना कोई मेडिसिन होना नहीं चाहिए इंडिया में सबसे ज्यादा आनथिकल मेडिसिन दुनिया में हर कोई कंट्री में इतनी सारी मिलोरिटी मेडिसिन कुछ नहीं है यह बात तो कहा जाता है कि अगर डॉक्टर कुछ गिफ्ट वगैरह ले रहा है तो उस पर तो कार्यवाही हो सकती है लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर नहीं हो सकती है, वो दे सकती हैं कुछ ऐसा है क्या हाँ वो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जिसको अभी नेशनल मेडिकल काउंसिल कहते हैं ये लोगों ने एक एडोपन किया सेक्शन सिक्स सिक्स एट hmm. उसमें सिक्स पॉइंट एट में उन्होंने बताया कि फलाना गिफ्ट नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए एडवर्टाइजमेंट के में काम नहीं होना चाहिए अब डॉक्टर के ऊपर कुछ पाबंदी डाले हैं hmm. खुल्ला खुल्ला पैसा वैसा ना ले ट्रैवल कॉस्ट ना ले लेकिन उसमें भी गलतियां हैं गलत क्या है लास्ट जो क्लॉज है उसमें है इफ ए डॉक्टर बिकम्स एडवाइजर ऑफ ए कंपनी तो कंपनी एक से हर एक कंपनी दो तीन सौ डॉक्टर का एडवाइस बना के आराम से चला रहा है वही भी कार्रवाई तो इसी के का खिलाफ कानूनन बंदोबस्त होना चाहिए वही हमारा मांग है ये थोड़ा बताइए कि अनएथिकल <laughs> प्रैक्टिसेस होता कैसे डॉक्टर किस तरह से करते हैं क्या केवल यही होता है कि उन्होंने जहां पर दो दवा लिखना चाहिए वहां पर चार दवा लिख देते हैं या कुछ और भी तरीके हैं बहुत सारी किस्म है जैसे बताइए अनएथिकल प्रैक्टिस का बहुत सारा एक तो है एथिक्स जो है अगर वो मानो तो एथिकल गाइडलाइन और प्रैक्टिस होना चाहिए जिसको कहते हैं गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन मतलब क्या है कौन सी बीमार का कौन सी तरीका से इलाज किया जाएगा वो है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन जो हमारा देश में इतना बार कहने का बाद भी सरकार नहीं किए हैं तो अपने मनमानी से प्रिस्क्रिप्शन होता है एक प्रिस्क्रिप्शन इतना बड़ा होता है आपका बुखार हुआ खांसी हुआ डॉक्टर के पास जाओ तो दस किस्म का प्रिस्क्रिप्शन करेगा क्यों करेगा क्योंकि कंपनी तुष्ट होता है उससे अब ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन करे तो ज्यादा बिक्री होगा और कंपनी खुश रहेगा और कंपनी खुश रहे तो बहुत तरीका से डॉक्टर को इंड्यूसमेंट करता है मतलब एक पेन एक लेटर पैड दे दिया तो एक बात है ठीक लेकिन जब रिश्ता करते हैं आपका इतनी प्रिस्क्रिप्शन के लिए इतनी रुपया हम देंगे वो भी सबूत हमारा पास है पैसा दिया हुआ चेक का फोटोकॉपी लेके हमने सरकार को पास पेश किया था तो ये एक तरीका होता है दूसरा तरीका होता है कि डॉक्टरों को खिलाने पिलाने का बंदोबस्त करो एक मीटिंग करवाओ उसको कहो कि ये है क्लिनिकल मीटिंग सीएमई कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन ये करो और इसका बंदोबस्त हम करेंगे फाइव स्टार होटल में करेंगे सेवन स्टार होटल में करेंगे खाना पीना दारू सब कुछ देंगे और कुछ तोहफा भी देंगे ये लोग खुश हो जाते हैं तो ये एक भी तरीका है तरीका आप मान लीजिए हजारों तरीका है विदेश में जाना तो इसी का ही तो रोक लगाना है क्यों कि आप ये जो सब देते हैं जो इतना गिफ्ट वगैरह देते हैं वो मुफ्त नहीं है वो पैसा आपको खर्च दिखा के मेडिसिन का भाव चढ़ा के लिखाना यही प्रॉफिट करना यही तरीका है मतलब ये जो आप दवा खरीदते हैं उसमें प्रमोशन के लिए खर्चा भी आप पैसा दे रहे हैं जनता प्रमोशन के लिए खर्चा दे रहा है इसीलिए हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पी डाला कोर्ट में तो थोड़ा कुछ अनुमान आपने किया है कि कितना रुपए फार्मास्यूटिकल कंपनी खर्च कर देती है एडवर्टीजमेंट या इन सारी चीज़ों में नहीं जनरली जो देखा जाता है हमारे देश में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हुई जैसे अमेरिका में अमेरिका में फ्लैट ट्वेंटी परसेंट उन्होंने सरकार का पास अनाउंस करते हैं अमेरिका में एक कानून है ये डॉक्टर के बारे में कि डॉक्टर किसी से पैसा ले कंपनी किसी को दे तो उसमें कुछ दोष नहीं है लेकिन उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा क्योंकि आई आई में वो ठीक से बराबरी से चले तो वहां है सान एक्ट कहते हैं और हमारा देश में वो एक्ट वगैरह कुछ नहीं है जो चाहे ले सकते हैं जो चाहे दे सकते हैं तो इसी लेन देन इसमें चल रहा है जिसको रोकना बहुत जरूरी है बहुत सालों से हमने कोशिश किया डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स जो केमिकल फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री में हैं उसको किया है पत्रकार लोग जो पत्रकार पेपर में जब हमने सारी डॉक्यूमेंट दे दिए हैं और कई एमपी ने वो डॉक्यूमेंट मिनिस्टर के पास दिए हैं क्या आप एक्शन लो ये सामने आपका सामने दिखाते हैं तो ये खामोश था हल्ला चिल्ला जब हुआ डॉक्टर गवर्नमेंट ने मीटिंग बुलाया था कई मीटिंग हुआ था ये मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के लिए एथिकल कोड बनाने के लिए कई मीटिंग हुआ था उस मीटिंगों में सारे मालिक लोग आते थे और हमने सब एक से एक सब डॉक्यूमेंट पेश किया था ये करो करो तो ये जो संगठन है फेडरेशन ऑफ मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ये जो एम वगैरह होते हैं इनके साथ किस तरह का शोषण होता है एम को तो सारी की से यही चीज है कि तुम्हें इतना टारगेट दिया हुआ है इतने तुम्हें सैंपल दिया हुआ है इतने तुम्हें गिफ्ट आइटम दिया हुआ है तुम्हारे डॉक्टर को इतना खिलाया पिलाया इतना खर्च हुआ है तुम्हें उनसे कितना भी बिजनेस लाया हमें पेश करो हर महीना उसका बिजनेस का टारगेट आता है बिजनेस का स्टेट डेटा आते हैं उसी आधार पर उसकी सैलरी अगर वो ना माने तो नौकरी से खत्म नौकरी से हटा देते हैं इसलिए सबसे दुखी यही लोग हैं लेकिन ये है कंडुइट है मतलब उससे प्रभावित होता है डॉक्टरों को प्रभावित करने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट का तरीका से यूज होता है हथियार है कंपनियां का हथियार का तरीका से यूज होता है अगर ना करे तो नौकरी से बाहर तो थोड़ा सा आम दर्शकों को बताने के लिए आप थोड़ा ये बताइए कि एक जो दवा है वो उसका कच्चा माल कहाँ से आता है उसमें साल्ट वगैरह जो हम सुनते हैं मिलकर बनता है वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसकी मार्केटिंग कैसे होती है और इन सबके बीच में धांधलियां और लूटपाट भ्रष्टाचार पर देखिए ये सवाल बहुत विस्तारित हाँ, है जिंदगी भर में सा बता वर, इसमें ही चर्चा किया बिल्कुल। मेरा पब्लिकेशन भी हाँ, है हाँ। तो ये सवाल है मेडिसिन बनाने में जो रॉ मेटेरियल जो है एक समय हमारा देश में बनता था जैसे कि पैरासीटामॉल का बात कही पैरासीटामॉल हमारा देश में बनाने वाला बहुत थे लेकिन उसका टेक्नोलॉजी बहुत टफ है ऐसी इजी नहीं है अभी रातों रात सरकार ने दरवाजा खोल दिया विदेश से लाने के लिए हमारे देश में सेवेंटी से वो सारी इंडस्ट्री खत्म हो गया एक दिन एक महीना में आंध्र प्रदेश में ढाई सौ छोटा कंपनी जो ये बाल्क मटेरियल का केमिकल मटेरियल तैयारी करते थे बंद हो गया इसी कारण पूरा इंपोर्ट का कारण और जो आ रहे हैं उसमें क्या है कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करता है बड़े बड़े कंपनियां उसको पीस के थोड़ा सा एक्सीपिय मिला के टैबलेट कैप्सूल नहीं तो सिराप ऑइंटमेंट बना के मार्केट में छाड़ते हैं छोड़ते हैं जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं होता है यही कम कर रहा है हमारे सारी छोटे बड़े सारी कंपनियां तो इसको ही बेचने के इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत होता है और इसको बेचने के लिए ही तरीका है मार्केटिंग मार्केटिंग बिना एक कंपनी नहीं टिकेगा जितना कॉम्बिनेशन मेडिसिन मार्केट में छोड़ता है वो कहानी वहानी लगा के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को बोलते हैं कि जाके डॉक्टरों को ये समझाओ अगर रैशनल मेडिसिन का सिस्टम होगा तो आधा से आधा कंपनी का दुकान बंद ही हो जाएगा ये सिस्टम बनेगा कैसे क्या तरीका है ये तो एथिकल प्रैक्टिस से एथिकल रूट से जो जो हमने सबमिट किया कि एथिकल कोड क्या होना चाहिए हमने सरकार का तो पास कुछ बताएंगे उसका ढांचा क्या है हमारे मन से नहीं आया नहीं। ये दुनिया में कई जगह पे इसमें चर्चा हुआ डब्ल्यू में खास चर्चा हुआ एथिकल कोर्ट क्या होगा तो हमने को कहा कि एथिकल कोर्ट में सब लोग को इन्वॉल्व करना है जैसे जो मेडिसिन तैयारी करते हैं जो लिखते हैं जो बांटते हैं केमिस्ट होलसेलर्स जो बांटते हैं और जो डॉक्टर का पास पहुंचते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सबका बारे में कानून होना चाहिए ये हमने डिफाइन करके हरेक के लिए क्या क्या सिस्टम होना चाहिए हरेक के लिए एथिक्स क्या होना चाहिए इसमें मैं हम लोगों ने निर्धारण करके रखा है सरकार का पास पेश कर दिया था तो कंपनियां इतना परेशान हो गया मीटिंग में हमने जब उसको एक से एक पकड़ा वो बोले ये लोग अगर होगा तो हम मीटिंग में नहीं आएंगे तो इसलिए उस समय हमने क्या किया हमने एक कोड बना के जो कोड होना चाहिए बना के सरकार का पास पेश कर दिया तो गुड एनफ वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी हिमांशु पंत ये दोनों हमारे साथ अलग तरीके से हमारे ए, सिविक सोसाइटी से जो खासकर खास करके एफ और मैं को साथ बैठे हमने हर एक क्लॉज एक्सप्लेन करके करके अंतिम में जो है पेनाल्टी क्लॉज क्या होगा वो भी हमने समझाया उनको सुने ध्यान से सुने लेकिन कमेंट नहीं किया इन्होंने बाद में इन्होंने एक कोड बना दिया जो कोड हमने सबका सामने मिनिस्टर के सामने बोला ये तो इंडस्ट्री वाले ने तैयारी किया है आप क्या दिखा रहे हैं क्या दिए हैं डिस्कशन के लिए हम क्या डिस्कशन करेंगे इंडस्ट्री वाले ने तैयारी किया है और उसको पहले हमें मिल गया था उसको क्रिटिसिज्म करके 19 पॉइंट क्रिटिक मैम ने भेज भेज दिया पेश कर दिया मिनिस्टर के सामने उस समय हंसराज राहिर थे मिनिस्टर तो बोला मालिक लोगों को बैठे थे उसको बोला आप इसमें कोर्ट के बारे में बताइए वो क्या बताएगा उन्हीं का तैयारी किया है वो खामोश रहा मैंने बोला आपने बोला दो मिनट में खत्म करना लेकिन मैंने नाइनटीन पॉइंट दिया है आधा मिनट ले भी दो मिनट में तो ख़त्म नहीं होगा तो मिनिस्टर बोले कि ठीक है उन लोगों ने तो कुछ नहीं बताया समय कुछ बचे हैं बताइए मैं बीस मिनट उसको हर एक चीज़ समझाया पेश किया उनका सामने बोला हाँ ये मामला बहुत गंभीर है आप में बहुत कुछ चीज़ें हैं लेकिन बाद में इन्होंने गुस्सा से बोले कि इन लोगों के साथ हम बैठेंगे नहीं इस बीच हमने कोड भेज पेश कर दिया सरकार भी वो कोड नहीं सुने बाद में सरकार ने खुद अपना जो कोड हम क्रिटिसाइज किया था वो कोड को छुपा के और दूसरा किस्म का एक कोड बना के लॉ मिनिस्ट्री में भेजा ताकि इसको आ, उसमें एसेंशियल मेडिसिन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में डाला जाए हमने मना किया हमने बोला एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का वो धारा आठ सात आठ और दस में जो पेनल क्लॉज है उसमें कुछ नहीं है आप जानते हैं प्रमोशन कुछ नहीं होता है लॉ तो मिनिस्टर, तो मिनिस्टर का पास भेज किया भेजा लेकिन लॉ मिनिस्टर जो उसको वापस कर दिया वो खबर हम लोगों का पास था उसके बाद ये खामोश रहा बार बार हमने बोला आप कुछ तो बोलिए हमारा कोड आप लेते हैं लेंगे और नहीं लेंगे खारिज करें तो उसमें आप कारण दिखाइएगा वो कोई जवाब नहीं था तो उपाय क्या था? को जाने सु, सु, सुप्रीम कोर्ट का आपकी जो याचिका है उसमें उसको पढ़कर के एक आंकड़ा निकला कि पिछले कुछ सालों में सात बड़ी कंपनियों ने तकरीबन एडवर्टीजमेंट पर केवल मार्केटिंग पर बत्तीस हजार करोड़ रुपए खर्च किया है जबकि तेल साबुन मसाला का एडवर्टीजमेंट तो हम टीवी पर देखते हैं और हम समझ भी जाते हैं लेकिन जो ये दवाई का एडवर्टीजमेंट है वो तो आम आदमी ना देखता है ना समझता है तो वो इससे दूर भी है तो ये जो पूरी धांधली हो रही है इतनी बड़ी धांधली इसका मतलब तो यही निकलता है कि लागत में पैसा कम खर्च हो रहा है ज्यादातर पैसा आपके एडवर्टीजमेंट पर है आप थोड़ा इसको बताएंगे एक्चुअली कानूनन कोई मेडिसिन का एडवर्टाइजमेंट होना नहीं चाहिए अच्छा कोई भी मेडिसिन का देयर इज एन एक्ट जिसको कहता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट ठीक बात तो मैजिक एक्ट में यह कहा गया है कि मार्केटिंग और मेडिसिन का बारे में कौन कौन चर्चा करेगा एक करेगा डॉक्टर्स एक करेगा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो डॉक्टर्स को नॉलेज पहुंचाना काम है और एक करेगा मेडिकल जर्नल ये तीनों जगह में ही होगा मेडिसिन का चर्चा इसका बाहर कहीं पर नहीं होगा अलाउड नहीं है स्पष्ट रूप में उसमें लिखित है तो इसी मौका लेते हैं जो छुप छुपा के करते हैं इसी में लेते हैं डोलो का संक्षेप में बोले उनके तरफ से आरोप आ रहा है कि हमारी तो दुण... नहीं नहीं, हाँ। हमने कुछ केस कुछ नहीं किया कहानी संक्षेप में यही है कि हाँ, कि कुछ दिनों का पहले डोलो बता दर्शकों को कि वो बुखार और दर्द के लिए इस्तेमाल हाँ पेरासीटामोल जो है बुखार के लिए दर्द नहीं बुखार इज मोन इज ए तो जिसलिए वो कोरोना काल में बहुत सारी बेचे और इसको डोलो का जो किया है कंपनी ने सरकार का पास कुछ सालों पहले चार पाँच साल पहले ये, ये सेंट्रल जो सी बी डी हाँ, टी डायरेक्ट टैक्स हुँ, हुँ, का टैक्स सर्कुलर जारी किया कि, कि किसी को प्रमोशन में खर्चा किया हाँ, और उसको उसका एक्सपेंडिचर में शो करे तो उसको टैक्स रिहा नहीं मिलेगा ठीक बात कर दिया और जो लेंगे वो दूसरा चैप्टर क्या है जो लेंगे उसका भी हिसाब किताब हमें देना होगा उससे भी टैक्स लेंगे डॉक्टर को दे रहा है तो डॉक्टर हमको डॉक्टर टैक्स देना पड़ेगा भरना पड़ेगा टैक्स का रिहा के लिए दखिल किया जब इनकम टैक्स का नजर आया बोला दस हजार करोड़ आपने दे दिया एक हजार करोड़ एक हजार एक हजार करोड़ दे दिया किसको दिया तो आपको हम टैक्स का रिहा नहीं देंगे कंपनी हाईकोर्ट में हाई कोर्ट बोले आईटी का सर्कुलर है सुने नहीं माने नहीं तो आई टी दिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज करेक्ट तब पकड़ गया अभी क्या हुआ ये नेशनल मेडिकल काउंसिल अभी पकड़ा है उसको कि किसको किसको पैसा दिया बोलो कौन कौन डॉक्टर को पैसा दिया बोलो यही कहानी है hmm. इसमें ना हमारा कोई केस है ना हमारा कुछ है एग्जाम्पल का स्वरूप हमने पेश किया था और जज जो थे जस्टिस hmm. चंद्रचूड़ hmm. बोले क्या कहानी है ये मेडिसिन तो मेरा कोविड तो कोविड का समय मैं भी मुझे भी दिया गया है ज्यादा भी बिका कोविड के समय हाँ तो बोले इसमें तो हमने बोला ज्यादा दिया है आपको 650 फिफ्टी स्ट्रेंथ में खतरा क्या पैदा है, है, होता है जानते हैं हमारे लॉयर ने बोले कि ओवरडोज होता है ओवरडोज का क्या, क्या होता है नुकसान क्या है नुकसान है आपका किडनी का नुकसान होता है लीवर का नुकसान होता है ज्यादा डेढ़ सौ एम दिया है इसलिए फाइव हंड्रेड एम जी इज द स्टैंडर्ड डोज ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया में और कहीं पर सिक्स नहीं है तब वो समझ में आया जाज ने बोला अरे बाप रे ये तो बहुत मुश्किल का है बहुत सीरियस है ओके यू प्लीज गिव मी द होल स्टोरी तो इसलिए हमारे कहानी सुने सुनेज ने बोला बहुत सीरियस मामला है तब हमको बोला आप चाहे तो और भी मटेरियल हमें दे दीजिए यही कहानी है तो अंत में पहुंचते हैं बहुत जटिल मुद्दा है और मेरे लिए भी बहुत जटिल मुद्दा है अगर आप कुछ बताना चाह रहे हो जो मैं पूछ ना पाया हूं और दर्शकों तक जाए तो आप बताओ नहीं इसमें एक सवाल ये होगा ये जो निकाल आता हैं कि नतीजा क्या होगा हाँ। नतीजा आप आम तरफ से बोले कि मैं जो देखता हूं अगर सही तरीका से सरकार इसको माने कोर्ट को माने कि हमारे कोर्ट में ये भी होता है मेडिसिन जो यूज होता है ना उसका एविडेंस बेस्ड होना चाहिए कि फलान मेडिसिन फलान मरीज के लिए दे रहे हैं इसको इलाज के लिए दे रहे हैं उसमें ये ये सेफ्टी है ये, ये क्वालिटी है अगर उसको ना दे तो उसका अप्रूवल नहीं होगा यूज भी नहीं होगा अगर ये माने एथिकल सिस्टम आए तो आधा से आधा कंपनी इंडिया में अपना दुकान बंद करना पड़ेगा बहुत सारी धांधली चल रही हाँ तो इसका निष्कर्ष यही निकला कि दर्द सहने के लिए जो हम इलाज लेते हैं वहां पर बहुत सारी धांधली चल रही है और उसके बारे में कुछ किया नहीं जा रहा है शुक्रिया अगर आपको हमारे वीडियो ठीक लगते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर के हमारी खबरों को पढ़ सकते हैं हमारा फेसबुक पेज है ट्विटर पेज है आप उसे लाइक कर सकते हैं शुक्रिया आप देखते रहिए न्यूज़ क्लिक